Okay, today we are here to show you some science experiments. Okay, myself Abhishek Ahir. I am founder of Gyan Sagar Foundation and director of Gyan Sagar Classes. I am here today to show you some of the science experiments which you see in your day-to-day life. ठीक है, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था उसके पीछे की साइंस क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट साइंस इज वेरी बोरिंग? दिस इज अ साइंस. देखो साइंस समझ लो, साइंस अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की जैसे वो बोरिंग लगेगा. साइंस समझ कंसेप्ट समझने का है तो साइंस बहुत आपको इजी लगेगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा. सबसे बड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है, आई विल शेयर विद यू. ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने का होता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझ लेंगे ना, वो एक स्टोरी की तरह ध्यान में रखोगे ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो बच्चों लोग आपको ट्रेड की मदद से बर्फ उठाना उठा सकते हो क्या? कौन उठाएगा? उसके पीछे का साइंस बताओ क्या होगा? उसे क्या होगा? वेरी गुड. क्योंकि वो क्या बर्फ है? ग्लास का तो डाल दे रहा है. यस, इसके अंदर का बर्फ मैं ट्रेन से कैसे उठाऊंगा? सॉल्ट डालने से क्या होगा? देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ट्रेड रख दे रहा हूँ उसके ऊपर. ठीक है बच्चों, देखो इसके ऊपर मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ. सॉल्ट डालने के बाद क्या होगा? क्यों सॉल्ट क्या करेगा? आजू बाजू का एटमोस्फेयर जो बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण क्या होता है, वो वापस जम जाता है. समझ में आएगा? बर्फ का रस्सी ज्यादा सॉल्ट. अच्छा, ये दिखो मैं कभी कॉल नंबर किसका? अच्छा भाई सर, आकाश वर्मा. आकाश, आकाश वर्मा है. आकाश बोल रहे हैं पकड़े. ये मेरा क्लास है, ये भाई का क्लास है. चेस मेरा क्लास बेटर है, ये भाई का क्लास बेटर है. दोनों के अंदर में क्या करूंगा, थोड़ा नींद डालूंगा. पता है बेचारा, इसका अंदर डाल दूंगा एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप, इसका अंदर डाल दूंगा एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, तीन ड्रॉप. किसका उजाला जल्दी फैल रहा है? देखो जल्दी, कौन जीत रहा है? अभिषेक सर जीत रहा है. ये भाई को देखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो चलो, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर क्या करता है, डेंसिटी बढ़ाता है. देखो इसके अंदर भी दो ड्रॉप्स डाला था, इसके अंदर भी दो ड्रॉप्स डाला था. गलती आपका ही भाई की नहीं है, गलती सॉल्ट वाटर की है. तुम्हारा टेंशन क्यों? सॉल्ट वाटर की है. क्यों? इसमें क्यों होता रहा है? क्योंकि सॉल्ट वाटर ने डेंसिटी क्या कर दी, बड़ा दिल है. उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि नील जब इसके अंदर डालो वो नीचे नहीं जाएगा, और नील डाल दोगे इलावत फिर भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा वो. तो डेंसिटी में भी यही होता है, तुम लोग इसके अंदर डुब के मारोगे तो तुम लोग ऊपर फ्लोट हो जाओगे. ठीक है, समझ में आ गया? ताली बजा है कि नहीं? यहाँ पर बॉटल रख दिया. अब ये कपड़ा निकाल सकते हैं बॉटल के बिना? हाथ लगा कौन निकालेगा?
कौन कह सकता है क्या? आ जाओ, कौन आ जाओ, एडजस्ट कर दिया। ओके, अब मुझे क्लास होगा।
और ग्लास को सीधे रख दूंगा, पानी भर के रख दूंगा, खाली नहीं ग्लास पानी डाला है सच में है ना। तो तुमको क्या लगता है उसको जो स्विंग करूंगा ये ग्लास बाहर से मैंने शॉर्ट कर दिया बटन चालू सर ठीक है। अब जैसे मैं जलाऊंगा बल्ब जल रहा है मतलब लाइट कनेक्शन है। अगर ये दोनों एंड में पानी के अंदर बांध दो तो बल्ब जलेगा क्या? जलेगा ओके जल रहा है ओके। तो ये बल्ब क्यों जल रहा है? ये टैप वाटर से मैं समझ रहा हूँ। ये मैंने ले लिया बच्चों क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन एब्सॉर्ब कर रहा है। ऐसा क्यों होता है बताओ? सॉल्ट वाटर में उसने नीडल डालने की कोशिश की लेकिन बच्चों में नीडल का वजन बहुत ज्यादा होता है समझ में आ गया? वो नील का जैसा नहीं है, नीडल का वजन बहुत ज्यादा है। बाइकल अगर उसके ऊपर डालना करेगा इतना हल्का तो वो है नहीं। तो इसलिए आपने क्या किया? अभी मैं एक टिश्यू ले लूंगा ठीक है, एक टिश्यू ले लूंगा फाड़ के। टिश्यू ले लिया, टिश्यू बच्चे को मैं इसके सरफेस पे डाल दूंगा। देखो क्या कर रहे हैं, टिश्यू क्या करूंगा इसके सरफेस पे डाल दूंगा, तुमको पीछे बताऊंगा एक्सपेरिमेंट। और वो जो नूडल है नूडल उसके ऊपर रख दिया ठीक है। अगर मैंने क्या किया टिश्यू रख दिया सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर नूडल रख दी ठीक है। और वो टिश्यू का नीचे नीचे बिहार धीरे धीरे बदल रहा है ठीक है। मेरे बड़े मैंने क्या किया वो टिश्यू के नीचे पानी के अंदर सरफेक्स सेल डाल दूंगा, डाल दो वापस उसको स्टोर करवा दिया। अब इसके ऊपर मेरे को नूडल फ्लोट करवाए हो सकते हैं क्या? कैसे? वापस बोले सर टिश्यू पेपर रख दूंगा और उसके ऊपर नूडल रख दूंगा। देखो नूडल और टिश्यू पेपर गर्म चले दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो नूडल गर्म चले, यहाँ पर देखो गर्म चले। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ऐसा है कि जो डिटर्जेंट वाटर होता है डिटर्जेंट वाटर में करते हैं सरफेस टेंशन को कम कर देता है। क्या कर देगा? और जो नॉर्मल वाटर का सरफेस टेंशन हमेशा ज्यादा रहता है इस कंपेयर टू डिटर्जेंट वाटर। इसके अंदर बेसिस होते हैं, बेस डिटर्जेंट में क्या होता है बेस होता है जो कि सरफेस टेंशन कम कर देगा आपका। समझ में? दो पेंसिल डिप करके रखिए तो ये नॉर्मल वाटर के अंदर मैंने क्या करते हैं दो पेंसिल मैंने क्या किया डिप करके रखा है और दोनों पेंसिल को दोनों तरफ से शार्पन किया है। यहाँ पर देखो दोनों पेंसिल को क्या किया दोनों तरफ से मैंने शार्पन किया है। देखो यहाँ से भी शार्पन किया है और उस तरफ से भी मैंने उसको शार्पन किया था। आप देख सकते हैं ठीक है। पेंसिल के अंदर होता है ग्राफाइट। क्या होता है पेंसिल के अंदर? विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो मैंने क्या करूंगा उसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूंगा। और जैसे अभी मैंने बटन स्टार्ट कर दिया ठीक है, जैसे मैंने बटन स्टार्ट कर दिया बच्चों होगा क्या? तुम सॉल्ट वाटर भी ले सकते हो, सॉल्ट वाटर ले तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन ठीक है। तो इसमें होगा क्या देखो कुछ इस तरीके का हो रहा है बबल्स आ रहे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है ये देखो बबल्स जो बाहर निकल रहे हैं किस चीज के निकल रहे हैं बच्चों? ये निकल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। क्या निकल रहा है ये? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। मतलब जिस जगह ज्यादा बबल्स आ रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है। और जिस तरफ कम बबल्स आ रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? ये जो दो है दो पेंसिल है एक स्प्रिंग जॉइंट बस कलर है अच्छा
बोल दो फिर से एक बार। पहले वो स्प्रिंग जॉइंट हड्डी बिल्डिंग से लिया था। खड़े हो गए। अरे पहले वो स्प्रिंग जॉइंट हड्डी से लिया। वेरी गुड। बाय ना आंसर दो दो क्या? वो जो छोटा है ना स्प्रिंग, इसमें क्या? इसने आंसर क्या दिया देखो? इसने आंसर क्या दिया? जैसे मैंने स्प्रिंग छोड़ी ऊपर से, वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिर गई। ये पहले क्या हो रहा है? ऊपर का पार्ट नीचे नीचे आके वो लोग मिल रहे हैं और फिर वो नीचे गिर रहे हैं। समझ में आ गया? इसके अंदर में डाल दूंगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या डाल दूंगा इसके अंदर में? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब KMnO4 मतलब इसमें कौन सा मेटल है? K तो है और उसके साथ तक Mn भी है, ठीक है, मैंगनीज भी। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर में डाल दूंगा पोटेशियम H2O2। एक दो ड्रॉप डाल दिया, क्या ब्राउन कलर? क्या हो रहा है चेंज? क्या हो रहा है उसका कलर? तो क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। H2O2 जो है ना, H2O2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या सुनो? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरों का रिडक्शन करना। समझ में आ गया? रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे का रिडक्शन करने का। अब ये H2O2 क्या करेगा? सपोज इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, H2O2 क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन छीन लेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन छीन लेगा, मतलब इससे क्या होगा? रिडक्शन। इसके ऑक्सीजन छीन ले तो इससे क्या हो गया? रिडक्शन। और दो ग्लास के ऊपर मैंने पेपर रख दिया, अब ये पत्थर में तुमको पेपर पे बैलेंस करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? बगल में बैठते हैं नहीं, ऊपर से अगर कुछ लगता है सकते हैं फिर भी ठीक है। बच्चा सही जा रहा है, रुको। बच्चे के लिए ताली मारो। गुड लग गया। सोल्व वाटर मैंने यहां पर किया है, ये मालूम है क्या कहा है? आवाज 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 कपल सुनो, इसके अंदर होता क्या है? कौन सी गैस? कौन सी? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, मतलब इथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन जो कुछ भी गैस है, वो गैसेस फ्लेमेबल होती है। क्या होते हैं वो गैसेस? फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब उसको इजीली क्या होता है? आग पकड़ जाती है। समझ में आ गया? इसको क्या होगा? आग पकड़ जाएगा। तभी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये जो गैस है ना, ये सोप वाटर के अंदर में मारूंगा, ठीक है। ये जो गैस है मैं क्या करूंगा? सोप वाटर के अंदर में मारूंगा। अब ये जो है क्या चलता नहीं है, ये शूट करो ज्यादा नहीं आदमी घूमना है, ये आदमी क्या बोलना है? मैं
ठीक है, इसका वापस में हिट ले लिया। झाक पकड़ झाक। घर के आगे जी कुछ भी बैन नहीं आएगा, ठीक है। बस एक हाइड्रोकार्बन गैस होता है, फ्लेमेबल गैस होता है, आपके हाथ पे लग गया तो फिर उड़ जाएगा इजीली। हाथ किसी के बंद नहीं है, बस हाथ के बाल जलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हो जाती है। ठीक है, वाह वाह ज्यादा नंबर नहीं है एनएच, जिसको अपन कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया। अब इसके अंदर में डाल दूंगा एल्यूमिनियम फॉइल, क्या डाल दूंगा एल्यूमिनियम फॉइल, इसके अंदर डाल दूंगा। और डालने इसके अंदर डालने के बाद बच्चों मैं इसको लगा दूंगा ऊपर से बलून, ऊपर से क्या लगा दूंगा मैं बलून लगा दूंगा। ओके, अब देख लेंगे धीरे धीरे क्या होगा। थोड़ा स्टोर करूंगा, ये गैस कहें पहले इसमें ठीक है, तो इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस पकड़ लिया है, छोड़ देते हो शायद, ठीक है, छोड़ देते डाले हो रहा। इसको इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको बांध दूंगा। बांधने का रीजन क्या है, हाइड्रोजन गैस क्योंकि इसको खोलने का है, इसके बाद खोल दूंगा आग लगा के इसमें से आग निकलेगी। हाँ, तो अगर बच्चों इसको मैं मेरे हाथ में लेके फोड़ूंगा तो मेरा हाथ डैमेज हो सकता है ना, तो मेरा हाथ डैमेज ना हो इसलिए मैं थोड़ा नासा को मैं 2 करोड़ रुपए दिया और एक इंस्ट्रूमेंट मंगा है। किधर से? नासा से 2 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट मंगा मैंने। कोणाला काही नुकसान झालं मी गाडी रोड ना आता सांगतोय। Immediately I said yes, and this was the immediate action we took within 2 days. Yes, ma'am.
So thank you, ma'am, for giving us the opportunity to stand up in front of all the students and give them some knowledge, valuable knowledge. Hope so you all understand these concepts and you can use in a day-to-day life also and in your board examinations also. Yes. 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 So, clap for you. You have given to you good response. So, and now clap more loudly for sir.